بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear students, this is our 8th video lecture of physics second year in online classes phase 3 from Ikraf Fars Boys College. And this series is about MCQs preparation for physics. And up till now, Alhamdulillah, we have completed three chapters, chapter 11, 12, and 13. And today we will complete chapter number 14, inshallah. So before moving on, I would like to remind you the formulas for this chapter, chapter number 14. I have also reminded it in the last lecture, lecture number 7. And you can see the complete revision in that lecture. आप अपने पास बस ये फार्मूलाज एक दफ़ा नोट डाउन कर लें और मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूलाज आपको याद होंगे. इसी उम्मीद पर मैं आगे एमसीक्यूज की सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर हम फार्मूलाज की तफसील में जाएंगे तो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको तमाम फार्मूलाज समझाए. आप इससे पिछला लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा. तो हमने अब तक एमसीक्यू नंबर 24 तक कर लिया था और आज नंबर 25 से शुरू करते हैं. द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बल्ब. सो हम अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करता है, वो तो रेजिस्टेंस शो नहीं करता, बल्कि आइडियल कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत माइनर होती है. सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक समझ लें कॉइल होता है वायर का, तो हम वायर कॉपर यूज इसलिए करते हैं ताकि रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो. तो ये दोनों ऑप्शन सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये भी दुरुस्त नहीं रहेगा. इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एक लोड है और लोड रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो इसलिए इन चारों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक बल्ब शो करता है. ठीक है. नंबर 26, पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ओवल, साइनोसॉइड. अच्छा, न्यूट्रॉन आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं रखता, ना प्लस ना माइनस, तो अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसका कोई चार्ज नहीं है, यानी उसका क्यू जो है वो जीरो है. तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वाले फार्मूले में क्यू जीरो होगा तो फोर्स उस पर जीरो हो जाएगी. जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो ना कहीं मूव करेगा, वो सीधा ही निकल जाएगा स्ट्रेट. ठीक है. अगर प्रोटॉन होता या इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर फोर्स लगती तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता, लेकिन न्यूट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. नंबर 27, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इसका यूनिट होता है टेस्ला. नंबर 28, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय. आपको पता है जो फोर्स होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि यानी वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो उसकी जो फोर्स उस पर अप्लाई होती है उसका फार्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला है. अगर हम इस लेंथ को यहाँ पे फार्मूला मेंशन भी है एफ आई इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, अगर हम इस लेंथ को वहाँ पे डिवाइड करा दें फोर्स की फोर्स से तो ये हो जाएगा आई बी साइन थीटा. ठीक है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है मैग्नेटिक फील्ड में जो मौजूद होता है. सो एफ अपॉन एल का मतलब हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये बराबर है आई बी साइन थीटा के. और आपसे सवाल में उन्होंने यही पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर होगी, तो आई बी साइन थीटा के बराबर होगी. नंबर 29, विच इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, इनमें से मैग्नेटिक मटीरियल आयरन, निकल, कोबाल्ट ये तीनों होते हैं, सिल्वर मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता, आसान सी बात है. ठीक है. नंबर 30, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला. नंबर 31, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर. आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट और मोटर मीन्स मोशन, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी होती मोशन में.
नंबर 32 इन अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या हीट इज ट्रांसफर हो रही होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी, नहीं ऐसा नहीं हो रहा होता। क्या करंट मूव हो रहा होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी में, नहीं, करंट भी मूव नहीं हो रहा होता। फिर क्या हो रहा होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है सेकेंडरी में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी। दो कॉइल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको चेंज किया जाता है, तो उसके चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ये काम हो रहा होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नंबर 33 अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल है, आया प्लस है या माइनस है इससे गर्ज नहीं है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो जो फोर्स होगी वो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एंड फील्ड होगी। यानी आप एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसकी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा या एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आपको ये मालूम है कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसके आंसर में या जिसके फार्मूले में दो वेक्टर्स आ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, एक आ रहा है वी एक आ रहा है बी, तो ये जो वेक्टर का आंसर आएगा यानी फोर्स, ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी वी के भी और मैग्नेटिक फील्ड बी के भी। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो हम कहेंगे कि ये जो बी और सी है इन दोनों की जो डायरेक्शन है ये ए उसके परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी तरीके से यहाँ जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना, इन द डायरेक्शन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन एंड फील्ड होनी चाहिए, मोशन मीन वेलोसिटी, फील्ड मीन बी मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 34 विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी। इसका फार्मूला अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि फ्लक्स की बात हो रही है तो फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए होता है। ठीक है जी, तो अगर हम इस एरिया को डिवाइड कराते हैं लेफ्ट साइड पे तो क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा हमारे पास, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो बी को हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, फ्लक्स डेल्टा फाई और डेल्टा ए नीचे आया तो इसको हम डेंसिटी कह सकते हैं, अगर नीचे डिनोमिनेटर में एरिया या लेंथ आए उसको हम डेंसिटी कह सकते हैं। तो बी जो है ना, एक उसका नाम आ गया फ्लक्स डेंसिटी। अब आपसे वो कह रहे हैं इस फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या नहीं हो सकता, तो आप पहले देखें, एक तो ये यूनिट हो सकता है वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट तो वेबर्स पर मीटर स्क्वायर इसका हो सकता है। दूसरा इसका यूनिट क्या हो सकता है, वो हम अगर यहाँ से देखें आई एल बी साइन थीटा से, और यहाँ पे इसका एक फार्मूला है, तो ये एफ अपॉन आई एल साइन थीटा इज इक्वल टू बी, बी का एक फार्मूला ये बन गया, तो ये इसका यूनिट होगा न्यूटन पर आई यानी करंट एम्पियर और एल यानी मीटर, तो एक यूनिट इसका बन गया न्यूटन एम्पियर मीटर, इसका एक यूनिट ये बन गया, एक यूनिट यहाँ से इसका बन गया वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट इसका यहाँ से बन जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हम अगर इस क्यू वी बी, ये जो क्यू और वी है इनको वहां भेज दें दूसरी तरफ, तो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम पर वोल्ट, एक यूनिट इसका यहाँ से बन जाएगा न्यूटन पर कूलम पर वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं, ये वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ, तो ये तीन यूनिट इसके बन सकते हैं, अब इसमें से जो नहीं होगा वो आंसर होगा। और इसके अलावा एक इसका यूनिट टेस्ला भी होता है, तो टेस्ला भी सही है, वेब पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको दिखाया ये भी सही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी सही है, ये वी ए इनवर्स सेकेंड ये सही नहीं है, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड ये यूनिट सही नहीं है, बाकी तीन सही है।
Number 35, an AC generator is converted into a DC generator, slip ring are replaced by a split ring. Slip ring को हम split ring से replace कर देते हैं तो AC generator convert हो जाता है DC generator में, वैसे ये वाला topic आपके condensed syllabus में शामिल नहीं है. Number 36, practical application of phenomenon of mutual inductance is transformer. ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. नंबर 37, emotional EMF induced in a coil is independent of resistance. ये आप याद कर लें, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है. नंबर 38, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन सर्किट्स कंटेनिंग एसी अलोन. जी हाँ, ट्रांसफार्मर एसी सर्किट पे काम करता है. नंबर 39, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी डबल्ड. सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर वो डबल होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी. नंबर 40 है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय. आपके पास जो ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं ना, उसको लेमिनेट किया जाता है, यानी छोटी छोटी पतली 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 शीट्स लगाई जाती है बहुत सारी, ताकि जो एनर्जी का लॉस होता है एडी करंट से वो ना हो. इसके मिसाल ऐसे समझ ले, जैसे कि अगर कोई एक बहुत मोटा कोई मेटल का पीस है, उसकी हीट एक साइड से दूसरी तरफ जल्दी पहुंचेगी, लेकिन एक रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो एक तरफ की हीट दूसरी तरफ जल्दी नहीं पहुंचेगी क्योंकि पेजेस अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर भी हम जो ट्रांसफार्मर में कोर यूज़ करते हैं उसको लेमिनेट करते हैं, अलग अलग बहुत सारे कोर, छोटी छोटी पतली शीट्स यूज़ करते हैं ताकि जो एनर्जी का लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए. ठीक है जी. नंबर 41, टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल करती है इच अदर. हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा है, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है पैरेलल वायर में करंट, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करते हैं. फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. ये आपको पता है. ठीक है. नंबर 43, इफ The conventional electric current is flowing from top to bottom in a wire, then direction of magnetic lines of induction will be. अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता है, तो आप मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से. मिसाल के तौर पे अगर एक वायर है और उसकी डायरेक्शन करंट की अपवर्ड है, आप क्या करें, उसको पकड़ लें, उस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लें, और आपके जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, वो उस करंट की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होना चाहिए. यानी अगर मिसाल के तौर पे अपवर्ड है, तो आप इसको बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे इस तरह से. ठीक है जी. अब आप गौर करें, आपकी जो उंगलियां हैं, जो जो आपकी फिंगर्स है, उसको आप कर्ल करें, घुमाएं, तो आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में घूमेंगी. ये एक एंटी क्लॉकवाइज बन गया, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो है ना, वो इसके सराउंड में सर्कुलर होंगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी. जबकि एक अदर वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब आप इसको हाथ उल्टा करके पकड़ेंगे, तो जो उंगलियां होंगी वो जब कर्ल करेंगे तो वो इस तरह से होंगी. तो यानी इसकी जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस बनेगी वो सर्कुलर होंगी, कॉन्सेंट्रिक होगी और क्लॉकवाइज होगी. तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक वायर है जिसमें करंट नीचे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं. ठीक है जी. अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम है, तो मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज होंगे. नंबर 44 पे है, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक फोटो ये ऊपर आ चुका है. नंबर 45 पे, इफ द स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज इंक्रीज्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा. अगर किसी कंडक्टर की जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नंबर 46, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन ट्रांसफार्मर. यह हम लोगों ने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ट्रांसफार्मर्स होती जी. तो अब आप यहाँ पे कुछ मजीद एमसीक्यूज है मैंने आपके लिए, तो मैं उसकी तरीकेकार आपको समझा दूंगा, लेकिन आपने खुद सॉल्व करने है, आंसर आपने खुद निकालने. जैसे पहला है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर थ्रू विच 50 एम्पेयर करंट फ्लोज विल बी. मैग्नेटिक फील्ड आपने मालूम करनी है, और
आर जो कि डिस्टेंस है करंट कैरिंग वायर से लेके जिस पॉइंट पे मालूम करने, वो आर 0.1 मीटर है, करंट वैल्यू 50 एम्पियर है। सो आपको आई पता है, आर पता है, आपने बी मालूम करना है। आपको एक फार्मूला मैं आप यहाँ सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला आप लगा सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है जी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का मतलब है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 इसकी वैल्यू है, आई आपको पता है 50, आर आपको पता है 0.1, यहाँ पे रख के आप बी निकाल सकते हैं। इसके अगला एमसीक्यू है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप जनरेट्स इन द सर्किट इंड्यूस ईएमएफ। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एक लूप कॉइल में चेंज हो तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसके बाद है, मोमेंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स सीज इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है दूसरे कॉइल में। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वो रुक जाता है, तो वैनिशेस। ठीक है, इसके बाद है, विच डिवाइस विल बी यूज टू रिड्यूस द 11,000 वोल्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू 220। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में आ रहे, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसके बाद है, ट्रांसफार्मर चेंजेस 10 वोल्ट टू 1000 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर है जो कि प्राइमरी 10 वोल्ट को सेकेंडरी 1000 वोल्ट में स्टेप अप कर रहा है, एंड देयर आर 22,000 टर्न्स इन द सेकेंडरी। और आपको नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी पता है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपने बताने। तो मैं आपके सामने यहाँ फार्मूला लिख भी देता हूँ कि ई एस अपॉन ई पी। ई एस का मतलब है ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल, ई पी का मतलब है ई एम एफ इन प्राइमरी कॉइल, और ये बराबर होता है एन एस अपॉन एन पी के। तो आपको ई एस भी पता है, ई पी भी पता है, आपको एन एस भी पता है, एन पी आपने निकालना है। ठीक है, अच्छा नंबर लास्ट इसका जो एम सी क्यू है, द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 2 एम्पियर। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट, यानी ई पी 1 है, और जो करंट है यानी आई पी वो है 2। वट इज करंट थ्रू द सेकेंडरी इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 10 वोल्ट। सेकेंडरी का वोल्टेज यानी ई एस वो 10 है। तो यहाँ पे भी आप अपने पास एक फार्मूला लिख लें कि ई एस अपॉन ई पी बराबर होता है आई पी अपॉन आई एस। करंट और ई एम एफ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई पी ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी डायरेक्ट था, एस एस ऊपर था, पी पी नीचे था। यहाँ पे एस ऊपर है, पी ऊपर है, पी नीचे, एस नीचे। ठीक है ना, तो ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे ई पी भी पता है, ये रहा, आपको यहाँ पे आई पी भी पता है, आपको यहाँ पे ई एस भी पता है, सिर्फ आपने आई एस निकालना है। तो आप ये फार्मूलाज लगा के एम सी क्यू सॉल्व करके इसके आंसर खुद मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ आपसे साथ इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।